सो गाइस, दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन आप लोगों का था कि मैचिंग करनी थी आपको केरला, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश. एंड द करेक्ट आंसर जो यूजीसी के आंसर की में दिया गया है वो फर्स्ट दिया गया है और फर्स्ट बिल्कुल सही है. ओके, केरला विच हैज़ दी हाइएस्ट सेक्स रेशो, देन वी हैव पंजाब हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ एससी इन देयर पॉपुलेशन, हिमाचल प्रदेश जो है आप लोगों का लीस्ट अर्बनाइज्ड है, और मध्य प्रदेश जो है कैसा है, मध्य प्रदेश आप लोगों का हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ एसटीज इन देयर पॉपुलेशन. देखिए, जब हमारी मतलब क्वेश्चन पेपर और आंसर की नहीं आई थी तब भी बच्चों ने मुझे ये क्वेश्चन बताया था कि मैडम इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आया था, और मैंने उनके साथ शेयर भी जो है क्या है यहाँ पे ये वाली चीज़ करी थी, दैट केरला हैज़ दी हाईएस्ट सेक्स रेशो वाइल दी हरियाणा हैज़ दी लोएस्ट सेक्स रेशो. देखिए, मेरे सारे नोट्स बने हुए हैं, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन है, एससी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, एससी पॉपुलेशन आपको सबसे ज़्यादा पंजाब में जो है ये देखने के लिए मिलेगी. ठीक है, तो उसी हिसाब से आपने इस मैचिंग को लगाना था, एंड द करेक्ट आंसर है वो टू बी फर्स्ट. चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग आर हॉकिन सिमन कंडीशन. देखिए, हॉकिन सिमन कंडीशन क्या कहती है, हॉकिन सिमन कंडीशन कहती है जो आप लोग आई माइनस ए करके आप निकालते हैं, तो आई माइनस ए हमारा कैसा होता है जी, आई माइनस ए का जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है ये पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है, पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे क्या है कि दैट वुड नॉट बी, यहाँ पे ये चीज़ ना तो ये इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, ना ही आपकी लेस देन जीरो होनी चाहिए. ये आपका कैसा होना चाहिए, ये आप लोगों को जीरो से ग्रेटर देन नज़र आता है. और दूसरी चीज़, प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आई माइनस ए. देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था वन माइनस ए वन वन, वन माइनस ए टू टू, वन माइनस ए थ्री थ्री, ये भी जो सारे एलिमेंट्स हैं ये हमारे कैसे होते हैं, ये भी हमारे पॉजिटिव होने चाहिए, नहीं तो हॉकिन सिमन कंडीशन काम नहीं करेगी. तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर था बी एंड डी आर ट्रू ओनली, और नेट वाले ने भी इसी को यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है क्या है माना है. ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन का मुझे कोड नहीं मिला, इसलिए मैं अभी इसको वेरीफाई नहीं कर पाई, इसलिए मैं आपके साथ ये वाला शेयर भी नहीं कर रही. ओके, हिंदी में भी पीडीएफ है, मतलब जो लोग हमारे हिंदी वाले हैं तो हिंदी वाला भी आपका स्क्रोलिंग जो है चालू है यहाँ पे आपका बी एंड डी, तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स मिला लीजिएगा हिंदी के अंदर भी. ओके, चलिए अगली चीज़ हमारी थी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स इज ट्रू फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन. देखिए, जब आप लोगों का साइमल्टेनियस इक्वेशन वाली प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम के ऊपर आप टू स्टेज लीस्ट स्क्वेयर मेथड यूज़ कर सकते हो, और फुल इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम लाइकलीहुड मेथड आप यूज़ कर सकते हो. ओएलएस मेथड तो यहाँ पे काम ही नहीं करेगा, और प्रिंसिपल कंपोनेंट मेथड आप लोग यूज़ करते हो जब मल्टी कोलिनैरिटी होती है. ठीक है, तो मल्टी कोलिनैरिटी के टाइम पे इसे काम किया जाता है, इसलिए ए और बी तो हो ही नहीं सकता, इसलिए सी और डी होना था, एंड दैट्स वाई करेक्ट आंसर हैव टू बी थर्ड जो है आप लोगों को यहाँ पे इसके अंदर नजर आना था, देखने के लिए मिलना था. ओके, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन तो इतना ही आसान था, ऐसा कौन सा टेस्ट है जो फैक्टर रिवर्सल को सेटिस्फाई करता है. तो आप जानते हैं फिशर टेस्ट ही है जो आप लोगों का फैक्टर और टाइम रिवर्सल को जो है क्या करता है, सेटिस्फाई करता है. काफ़ी बार मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाकर भी जो है मैंने भेजा था, फैक्टर एंड टाइम रिवर्सल टेस्ट को जो है क्या करेगी, ये चीज़ आपकी सेटिस्फाई करेगी. द शेयर ऑफ द सर्विस सेक्टर इन द ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ इंडिया एट द करंट प्राइसिस वेयर 2018 to 2019 इज. तो देखिए, ये 2018 और 19 के हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना है ये आप लोगों का 53 to 55% के बीच में जो है आप लोगों को ये वाली चीज़ जो है नज़र आएगी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना गया दिया गया है, थर्ड जो है यहाँ पे दिया गया है. सेवन्थ का भी जो है मुझे कोड नहीं मिला, तो इसलिए मैं इसका आंसर वेरीफाई नहीं कर पाई हूँ अभी, इसलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. हिंदी वाले मैं देखिए स्क्रॉल कर रही हूँ, आप बाद में जो है क्या है वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा, आप अपना अपना जो है. ठीक है, अच्छा एट्थ क्वेश्चन था, एट्थ क्वेश्चन क्या कहता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज़ गिवन बाय. किस तरीके से आप लोग इसके फॉर्मूले को जो है क्या है आप लोग यहाँ पे ये बता सकते हैं. ठीक है, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आप कैसे निकालते हो, लेबर फोर्स को आप डिवाइड कर देते हो, किससे डिवाइड कर देते हो, एडल्ट पॉपुलेशन से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100. देखिए, कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन होना चाहिए, बट मुझे खुद ही बताओ यार, टोटल पॉपुलेशन में तो बच्चे भी आ जाते हैं, तो बच्चे कैसे काम करने जाएंगे, बच्चे तो काम करने जा ही नहीं सकते. तो इस वजह से यहाँ पे हमने एडल्ट पॉपुलेशन को कंसिडर किया है, एंड थर्ड वुड बी द राइट ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे नजर आएगा. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस रिप्रेजेंट एन इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट इन द नेशनल इनकम. देखिए, आपको ये वाली जो बात है मैंने कई बार अपने
क्लास के अंदर जो है क्या है मैंने आप लोगों को बताई थी कि नेशनल इनकम के हिसाब से आप लोग किस किस को जो है क्या है यहाँ पे ये लेते हैं, ठीक है। बाइंग अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, जो सेल्फ ऑक्यूपाई हम लोग करते हैं उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं। बाइंग ऑफ न्यू शेयर, देखो न्यू शेयर से एक ऐसी चीज़ है इसमें आपको नुकसान भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है, तो इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी के अंदर जो है आप लगा लीजिए कि इसको हम कंसिडर नहीं करते। बाइंग अ न्यू कार बाय पब्लिशिंग हाउस फॉर डिलीवरिंग बुक्स के लिए जो है अगर ये कर रहा है तो ये किस तरीके का, ये इंटरमीडिएट गुड है, तो आप इसको जो है क्या है भाई, क्योंकि ये काम करने के लिए यूज़ कर रहा है, ठीक है। कार इसने यूज़ करी, किस लिए यूज़ करी, डिलीवरिंग बुक्स के लिए जो है कर रहा है, इससे आगे कमाई होगी, हमारा GDP जो है क्या है वो बढ़ेगा, ठीक है। एंड बाइंग अ न्यू कार बाय दी हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड जो यहाँ पे इसको परचेज कर रहा है किसके लिए कर रहा है, वो मतलब वो तो अपने घूमने के लिए कर रहा है, ठीक है, तो इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, राइट। सो गाइस करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए एंड सी होना चाहिए था, क्योंकि इन चीज़ों में आप लोगों को पता है कि आगे जाके भाई नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इसे इंक्लूड किया जाएगा। हेलो कांशा वर्मा, गुड इवनिंग, और इंक्लूड किया जाएगा, तो इसलिए आपका यहाँ पे ए एंड सी जो है ये होना था। अगला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द नेशनल लेवल आइडेंटिटी को, कौन बताता है, तो नेशनल लेवल आइडेंटिटी जो है आपकी क्या होती है, वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट जो है क्या करते हैं आप लोग यहाँ पे ये लेकर चलते हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होना था, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मतलब सी वाली इक्वेशन सही है बट आपका जो कोड वर्ड है, कोड वर्ड के हिसाब से सेकेंड आंसर जो है आपका सही होगा, सी ओनली जो है वो आपका सही जवाब होना चाहिए था, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी में देख सकते हैं, श्रम बल की भागीदारी दर किसे द्वारा की जाती है, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ ताकि आप भी अपना जो है क्या है यहाँ पे इसको लगा सके। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति, पढ़ लीजिएगा आप इसको, ठीक है, क्योंकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो इसलिए मैंने PDF आपका बनवाया है ताकि आप इसको जो है एक बार रीड कर सके, आप इसको पढ़ सके, ओके। 11th क्वेश्चन का भी मेरे को कोड वर्ड नहीं मिल पाया तो मैं इसको वेरीफाई नहीं कर पाई, और जब तक मैं खुद से वेरीफाई नहीं कर लेती मैं आपको उसके बारे में नहीं बता सकती, ओके। इन द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वी यूज़ द टूल्स ऑफ, कौन से टूल्स आप लोग यूज़ करते हो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, तो देखिए हम लोग इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में माइक्रो भी यूज़ करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी भी यूज़ करते हैं, बट वी ऑल एक्सटेंड अडेप्ट एंड इंडिकेट दैम, उनको हम लोग मिला देते हैं, उनको हम एक्सटेंड करते हैं, तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे नजर आती है, राइट। 13th क्वेश्चन क्या था, स्टेटमेंट दे रखी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटेजी एडवोकेट्स ट्रेड एंड डेवलप टू ओवरकम मार्केट फेलियर्स थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसी, बिल्कुल बात सही है जी। इट एनकरेजेस द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक्सपोर्ट ऑफ प्रोग्रेसिविटी मोर एडवांस प्रोडक्ट, देखिए आपको पता है जहाँ जहाँ भाई आप नई टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे ट्रेड एंड डेवलपमेंट करेंगे तो उससे सबका फायदा होने वाला है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू जो है आपको यहाँ पे नजर आनी थी, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलनी थी, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, 14th का भी मुझे कोड नहीं मिला तो मैं इसका आंसर नहीं बता पाऊंगी, इनको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी देखो मैंने यार ये बच्चों से पेपर मंगवाया, अब उनसे मतलब जिस तरीके से वो भेज पाए तो कुछ कुछ का कोड जो है मेरे पास नहीं आ पाया और इस वजह से वो क्वेश्चन जो है हमारे नहीं हो पाए, ठीक है। 15th क्वेश्चन था हमारा मैचिंग का, तो मैचिंग में जो यहाँ पे करेक्ट आंसर देखिए सबसे ईजी यहाँ पे कौन था, मैंने आपको उस दिन भी PDF के अंदर मैंने ये वाली चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करी होगी, सबसे इजी अगर आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ ढूंढना था तो वो क्या था जी, सबसे इजी यहाँ पे ढूंढना था आप लोगों के लिए, लेट मी शो यू, कहाँ गए भाई सब, मॉडल रोस्टो, नॉलेज कॉस्ट, ओके, ओके मैं ऐसे ही बता देती हूँ, देखिए सबसे आसान अगर आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ ढूंढना था किसको था, स्विजी मॉडल इज द इजिएस्ट वन, क्योंकि स्विजी ने क्या दिया होता है, स्विजी ने यहाँ पे दिया था आपका किंग द डिमांड कर्व जो है यहाँ पे लगा लीजिए कि इन्होंने अपना यहाँ पे ये दिया था, राइट। तो इन्होंने आ गया, मैं कहूँ ना कहाँ गया, ये देखिए मैं इनके दर्शन करा देती हूँ, पोलम स्विजी का किंग डिमांड कब था, विकुंचित मांग वक्र था, राइट।
तो यहाँ पे आपने इसको मैच करना था स्विजी कुकिंग के साथ, यानी कि बी का सेकंड। बी का सेकंड तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग समझ ही गए होंगे करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, एक ही ऑप्शन था, फोर्थ ऑप्शन वुड बी द राइट। मतलब बाकी चेक भी करने की जरूरत नहीं थी यार। चैम्बरलेन का स्मॉल ग्रुप मॉडल, स्टैकलबर्ग हो गया आपका रिएक्शन का फैलनर आपका, प्राइस लीडरशिप मॉडल, तो बाकी तो आपको चेक भी करने की जरूरत नहीं थी, पोल एम स्विजी से ही आपको ये बात जो है समझ आ जाती है। ठीक है, देखिए आपको पता है जब बैंक में जाते हो तो एक फॉर्म होता है KYC, नो योर कस्टमर। तो अगर नो योर कस्टमर से बैंक को कौन सा रिस्क हो सकता है, रेपुटेशन रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, लीगल रिस्क, या फिर बैंक करप्सी रिस्क जो है क्या है यहाँ पे हो सकता है, तो यहाँ पे ABC वुड बी द राइट आंसर। देखिए रेप्यूटेशन, कंप्लाइंस और लीगल रिस्क किसके हो सकता है, बैंक करप्सी देखो तब होती है जब मैं किसी को लोन प्रोवाइड करूँ। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है मेरे बैंक में जिस जिसका खाता है, जिस जिसका सेविंग अकाउंट है, मैं उसको लोन दूंगी ही दूंगी। बहुत सारी और भी फॉर्मेलिटीज़ होती है, मैं उसके बिजनेस देखूंगी, सारी चीज़ें मैं वेरीफिकेशन करूंगी, तब मैं उसको लोन देती हूँ, है ना। तो इसका बैंक करप्सी से कोई भी लेना देना नहीं था। 17th क्वेश्चन आपका PYQ है, पहले भी उसने पूछा था, अगर इनकम कंजम्पशन कर्व एक्स गुड की तरफ गिर रहा है, इसका मतलब गुड एक्स कैसा होगा। गुड एक्स आप लोगों का नॉर्मल गुड था, और जो यहाँ पे गुड वाई है, गुड वाई आप लोगों का कैसा था, ये इन्फीरियर गुड था। ठीक है, तो हेयर यू कैन सी गुड एक्स इज नॉर्मल एंड गुड वाई इज इन्फीरियर, दैट्स वाई करेक्ट आंसर है वुड टू बी 17 का जो राइट आंसर होगा, आपको सेकेंड ऑप्शन जो है सही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, हिंदी वाले यहाँ पे हिंदी में आप अपने क्वेश्चंस जो है क्या है वो मिला सकते हैं, मैं आराम आराम से PDF इसीलिए चला रही हूँ। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मिल जाएगी, तान्या इकॉन के नाम से आप टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको जो है पेपर यहाँ पे मिल जाएगा। चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड टिपिकली पुट लेस डेवलप्ड कंट्रीज एट आर डिसएडवांटेज बिकॉज। देखिए जब भी आप लोगों का क्या होता है टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज होता है, तो जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है वो ज़्यादा डिसएडवांटेज में फंस जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ज़्यादा डिसएडवांटेज में क्यों फंस जाती है, दे स्पेशलाइज एंड ट्रेड इन एग्रीकल्चर गुड रेदर देन दी मैन्युफैक्चर गुड। ये लोग जो आपने देखा होगा, क्योंकि लेस डेवलप्ड कंट्रीज में ना सिर्फ जीने का एक ही सहारा है, तो जीने का एक सहारा होने का मतलब क्या है, मतलब ये लोग जो है आपके ज़्यादातर डिपेंडेंट रहते हैं। किस चीज़ के ऊपर ये डिपेंडेंट रहते हैं, ये ज़्यादातर जो है डिपेंडेंट रहते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर जो है ये रहते हैं जी। कमेंट सेक्शन में मैंने ग्रुप का लिंक भी दे दिया, जिसको भी ग्रुप करना ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, तो उसे आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वाली चीज़ हो जाती है। बेस्ड ऑन द ऑर्डर कंडीशन स्टेट वेदर द फर्स्ट कंडीशन। देखिए पहली इक्वेशन के बारे में बताना था आपको, फर्स्ट इक्वेशन के बारे में मैंने अपने बच्चों को पूरी मैथोलॉजी इसकी सिखा रखी है 19 क्वेश्चन में। 19 क्वेश्चन में जी कितना है, जी है आपका नंबर ऑफ इक्वेशन, तीन इक्वेशन थी 1, 2, 3। ठीक है, के कितना था, के होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, x1, x2, x3, y1, y2, y3, यानी कि 6। एम कितना था, एम होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन इक्वेशन, जिसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे क्या है बताना है, राइट। तो यहाँ पे x1 है, x2 है, y1 है, y2 है, तो टोटली कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा एम फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से। कंडीशन क्या होती है, g-1, k-m। देखिए 3-1 और 6-4 ये दोनों इक्वल आ रहे थे, अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो ये क्या होती है, ये आप लोगों की एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड जो है क्या है होनी थी, 19 क्वेश्चन का जो आंसर है वो थर्ड होना था। अगर ये कंडीशन में g-m ग्रेटर देन होता k-1 से, तो आप इसको ओवर आइडेंटिफाइड कहते। अगर g-1 आपका लेस देन होता k-m से, तो आप इसको अंडर आइडेंटिफाइड कहते, क्योंकि दोनों इक्वल थी तो ये आपकी एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड जो है क्या है हो जाती। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी लास्ट सेंसस 2011 के हिसाब से, विच इंडियन स्टेट हैज़ द मिनिमम सेक्स रेशो, मैंने आपको अपनी फाइल के अंदर दिखाया भी था, अभी मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ जो है क्या है शेयर करी थी कि भैया लोएस्ट सेक्स रेशो जो है आपका कहाँ है, है ना। लेट मी शो यू, यस ये देखिए लोएस्ट सेक्स रेशो, केरला का हाईएस्ट था और हरियाणा का लोएस्ट सेक्स रेशो है। ठीक है, 2011 की जो हमारी सेंसस है, और दमन एंड दीव हैज द लोएस्ट अमंग ऑल द स्टेट्स एंड टेरिटरी। तो आपको यहाँ पे क्या मार्क करके आना चाहिए था, आपको यहाँ पे हरियाणा लगाना था, और हरियाणा ही सही आंसर दिया है NTA ने। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास 21 का भी हमारे पास करेक्ट आंसर अभी नहीं आया, क्योंकि इसका मुझे वही नहीं मिला। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बाद में कराऊंगी, इसका कोड वर्ड जो है मुझे नहीं मिल पाया है 21 का। ओके,
हाँ जी, ये सब हमारी बुक में भी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा जी, सब कुछ मिलेगा आपको हमारी बुक में। अगली चीज़ देखिए, हेयर वी हैव द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इनिशियली सिलेक्टेड फ्रॉम स्टेट्स अंडर द इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 1960। ओके, तो ये 1960 में एक प्रोग्राम जो है आपका चलाया गया था, इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, तो इसके अंदर यहाँ पे हमने क्या किया था, 7 डिस्ट्रिक्ट हम लोगों ने लिए थे। किसमें से लिए थे, 7 स्टेट में से आपने 7 डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे ये लिए थे, राइट। टाइम सीरीज में अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स म्यू और को वेरियंस आपका इतना हो तो इसको आप लोग क्या कहते हैं, इसको आप लोग यहाँ पे जानते हैं, दिस वुड बी वीकली स्टेशनरी जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये इसकी कंडीशन जो है होती है। द बेस्ट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, एक स्टेटमेंट देखिए, जब भी आपको मैं टैक्सेस पढ़ाती हूँ तो टैक्सेस में मैंने हमेशा यहीं से अपनी पीपीटी की शुरुआत करी है। द बेस्ट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट विच हैज़ द बेस्ट और द लीस्ट बैड इकोनॉमिक इफेक्ट होने वाले हैं। ये स्टेटमेंट किसकी है जी, ये स्टेटमेंट डेल्टन जी ने जो है यहाँ पे दी थी, सो दैट्स वाई करेक्ट आंसर है वुड टू बी थर्ड जो आपको नजर आएगा, राइट। उसके बाद अगली चीज़ देख लीजिए, अगली क्या है हमारी, द कम्बाइंड लाइबिलिटीज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP ड्यूरिंग द 2 ईयर्स, मतलब 2 सालों में, बीते 2 सालों में आप लोगों की जो है क्या है, कितना कितना जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, आपको यहाँ पे नज़र आती है। ओके, सो गाइस, दिस हैज़ बीन कम आउट टू बी, यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलेगी अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की 67% जो है क्या है आंसर यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है। गवर्नमेंट मल्टीप्लायर इज गिवन बाय, देखिए जब आपको पता है टैक्स रेट गिवन था तो आपका जो फॉर्मूला होता है 1 डिवाइड बाय 1 माइनस C 1 माइनस T जो आपको यहाँ पे नज़र आता है, ये भी चीज़ मैंने आप लोगों को अपनी PDF के अंदर जो है मैंने आप लोगों को ये चीज़ पढ़ाई थी, आपको शो करते हैं हम लोग। ये देखें, हियर वी हैव, लेट मी शो ऑन यू दैट, हाँ ये देखो, ये आपका डेरिवेशन है। जब टैक्स हम लोग लगाते हैं ना तो जो हमारा मल्टीप्लायर का फॉर्मूला कैसा होता है, 1 माइनस B ब्रैकेट में आप लोगों का यहाँ पे क्या है, 1 माइनस T, 1 माइनस T जो है आप लोगों का क्या है, 1 माइनस T टैक्स रेट होता है, सो दैट्स वाई फोर्थ वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। हैराडोमर कंसिडर अ फंक्शनल इकोनॉमिक रिलेशनशिप इन विच द ग्रोथ रेट ऑफ द GDP डिपेंड्स अपॉन, देखिए इन्होंने जब फंक्शनल रिलेशनशिप जो है इन्होंने बताई है तो इन्होंने कैसे बताई है, ए एंड बी ओनली बताई है। देखो इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एग्रीकल्चरल ग्रोथ से इसका कोई मतलब नहीं था, इसने फॉर्मूला दिया था जी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू एस, तो जी यहाँ पे किसके इक्वल होगा, नेट सेविंग रेट, और सी आपका क्या होता है, सी होता है आप लोगों का कैपिटल आउटपुट रेशो, इस वजह से ए एंड बी जो है आपको यहाँ पे ये नजर आने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रोडक्शन फंक्शन, कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन आप लोगों को यहाँ पे दे रखा था, तो ये भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था। ए आपका यहाँ पे क्या शो करता है, ए आपका यहाँ पे एक मिनट आगे बढ़ा देते हैं, हाँ जी, ए आपका यहाँ पे मैनेजरल एफिशिएंसी को शो करेगा, अगर अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन वन है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होगा, और मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल जो है बीटा मल्टीप्लाई बाय क्यू डिवाइड बाय के होगा। बस ये वाली जो स्टेटमेंट थी, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल फॉर के जो है ये आपकी गलत थी, बाकी सारी स्टेटमेंट जो है सही है। ये मैंने प्रूफ दे रखे हैं, आप मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स जाके देख सकते हैं, पूरा एक एक मैंने ये सॉल्व करवा रखा है, तो वहाँ पे आप जाके फॉर डीपर एक्सप्लेनेशन यू कैन सी ए बी डी ओनली जो है आपका यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होना चाहिए था। GDP जब आप लोग करंट प्राइस के ऊपर बताते हो तो करंट प्राइस के ऊपर जो GDP बताया जाता है वो नॉमिनल GDP होता है, और कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर जब बेस प्राइस के ऊपर आप उसको बताते हैं तो वो कैसा GDP होता है, वो आप लोगों का रियल GDP जो है आपको यहाँ पे ये देखने के लिए आपको यहाँ पे ये मिलता है, राइट। उसके बाद यार अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे ये स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दे रखी थी, मिसेस उर्सुला के ही स्टेटेड दैट प्राइवेट फाइनेंस वेदर ऑफ फर्म्स और इंडिविजुअल स्टार्ट्स विद अ गिवन इनकम प्लान एज अ फ्रेमवर्क विद विच एक्सपेंडिचर मस्ट बी प्लान, पब्लिक फाइनेंस ऑन द कॉन्ट्रेरी स्टार्ट्स विद अ गिवन एक्सपेंडिचर प्लान एंड द अथॉरिटी सजेस्ट देयर इनकम बाय मीन्स ऑफ टैक्सेस एंड रिसोर्सेज टू मैच द एक्सपेंडिचर। प्रोफेसर शेराज पॉइंटेड आउट दैट पब्लिक अथॉरिटीज जो है प्राइवेट एक्सपेंडिचर से अलग होंगी, तो ये दोनों बातें आपकी यहाँ पे सही थी, दैट्स वाई करेक्ट आंसर है वुड टू बी बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो गाइस, ये सारी चीज़ें आपके पेपर में आई हुई थी,
ये है जी हमारा नुमेरिकल क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेट्रो राइड्स की कितनी है, 0.8 है ना। और टोटल राइडरशिप पर डे आप लोगों की कितनी हो रही है, लगभग 1.5 लाख जो है आपकी यहाँ पे हो रही है टोटल राइडरशिप। इफ प्राइस राइड प्राइस ऑफ बस राइसिस बाय कितना, प्राइस ऑफ बस आप लोगों का बढ़ जाता है 5% से जो है क्या है बढ़ जाता है, देन चेंज इन टोटल मेट्रो राइड विल भी आपको बताना था। देखिए क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ किसकी, बेसिकली क्वांटिटी आ गई आपकी यहाँ पे ओके मेट्रो की, और दूसरी चीज यहाँ पे क्या था, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बस राइड। तो बस राइड तो उसने दे ही रखा था 5% से चेंज हो रही है, ये 0.8 था ये 5 था ठीक है, तो यहाँ पे ये आके क्या हो जाना था, इसके साथ ये वाली चीज़ हो जानी चाहिए थी मल्टीप्लाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मेट्रो अभी आप लोगों को निकालना है। तो इसको आप यहाँ पे सॉल्व करते, सॉल्व करके आपका ये कितना आ जाता, 4 आ रही थी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मेट्रो राइट। लेकिन इसका भी आगे फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज को आप लोग कैसे निकालते हो, डेल्टा क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू डिवाइड बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ये चीज़ किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्यू की वैल्यू आपको कितनी गिवन थी, ये वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्यू क्यू की वैल्यू आपको 1.5 लाख गिवन है, तो 1.5 लाख को हम जब चेंज करेंगे 1,50,000 इस तरीके से आ जाएगा, 0 से 0 विल कैंसिल आउट ईच अदर, और ये जो डेल्टा क्यू की वैल्यू है वो कितनी आनी थी, वो आनी थी 6,000, यही पूछा था इससे। चेंज इन टोटल मेट्रो राइड्स, मेट्रो राइड्स में जो आपका टोटल चेंज आने वाला है, कट ऑफ मैंने बता दिया अनिर्बन, मैंने स्टार्टिंग में आते ही कट ऑफ बताया है, आप स्टार्टिंग की वीडियो देख लेना। तो ये आपका कितना आने वाला था, ये आप लोगों का 6,000 जो है क्या है आप लोगों का यहाँ पे ये निकल के आने वाला था, आप लोगों को देखने के लिए मिलता राइट। अगला क्वेश्चन, गिवन द टोटल रेवेन्यू फंक्शन दिस टोटल कॉस्ट दिस एट क्यू इज इक्वल टू 100 यूनिट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेज इज करेक्ट, इनमें से ऐसी कौन सी वाली स्टेटमेंट ऐसी लगती है जो आपकी सही होगी। पहले हम इसको MR में निकाल लेते हैं, MR मतलब फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन, ये हो जाता 1400 क्यू माइनस 12 क्यू, MC कितना हो जाता, MC हो जाता आप लोगों का दैट इज द 80। अब यहाँ पे आपसे इसने पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अगर मैं क्यू की वैल्यू को 100 डालती हूँ, देखिए क्यू की वैल्यू को अगर हम 100 डालेंगे दिस वुड बी सॉरी ये खाली 1400 बचेगा ठीक है, 1400 माइनस दिस तो ये कितना आएगा, ये आपका आ गया 200, और मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, मार्जिनल कॉस्ट तो 80 ही रहेगी। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही क्लियरली एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे मेंशन दिख रही होगी कि यहाँ पे MR ग्रेटर देन किससे है, मार्जिनल कॉस्ट से ग्रेटर देन, और मार्जिनल कॉस्ट कितना आ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट 80 आ रहा है। तो दोनों बातें यहाँ पे सही थी एंड द करेक्ट आंसर है वो टू बी B and C का मतलब सेकेंड ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ये सही होना था ठीक है। ये इतनी आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते थे। द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी बाय इंडिविजुअल, देखिए जब इंसान अपने पास पैसा रख लेता है तो वो क्या कहलाता है, लॉस ऑफ रियल वैल्यू मनी, क्योंकि आपको पता है लॉस ऑफ रियल वैल्यू मनी ड्यू टू इन्फ्लेशन नॉट डिफ्लेशन, तो ये वाली बात यहाँ पे सही गलत थी ओके, बाकी सब सही है। सेविंग का इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता उसे, यूटिलिटी खो देता है, रिटर्न्स फोरगोन बाय नोट होल्डिंग और किसी को, जब भाई कैश रख रहे हो तो आप गोल्ड नहीं खरीद सकते, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, तो बहुत सारी चीज़ें, इसलिए आपका करेक्ट आंसर था BCD, डिफ्लेशन की जगह अगर इन्फ्लेशन हो जाता तो ए वाला पार्ट भी आपका यहाँ पे सही हो जाता ठीक है। सो गाइज दीज ऑल आर क्वेश्चंस, आगे देखते हैं हम लोग 34th क्वेश्चन क्या कहता है। लर्निंग कर्व इफेक्ट इज रिलेटेड टू फर्म लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के साथ रिलेट करता है, बिल्कुल सही बात है। अ स्वैप्ड एलोकेशन इज वन दैट इज पैरेटो एफिशिएंट एज वेल एज इक्विटेबल एफिशिएंट, तो दोनों स्टेटमेंट जो है आप लोगों की यहाँ पे ये सही थी, बोथ आर करेक्ट ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे ये देखने के लिए मिलेगा राइट। मैम प्लीज चेक वंस लास्ट क्वेश्चन, प्लीज चेक वंस लास्ट क्वेश्चन, कौन सा, ये वाला कह रहा हूँ ना MR वाला, 1400 माइनस 12 क्यू, क्यू की वैल्यू 100 है, सही तो है, क्या दिक्कत है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। ओ सॉरी, इसके आंसर में थोड़ी गड़बड़ हो गई, ए और बी सही होगा, इसका बी एंड सी नहीं, मैं बोल ए बी रही थी लेकिन मेरे मुंह से बी सी निकल गया, ये वाला सही नहीं है, ये दोनों सही है ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू हमारा ग्रेटर आया था, 200 हमारा ग्रेटर देन आया था 80 से,
और ऑफिशियल आंसर कीज में भी इसका आंसर जो है वो ए ही दिया गया है। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मेरा टंग स्लिप हो गया, ए और बी फर्स्ट ही आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू यादव, आपने नोटिस किया इस चीज़ को। अगली तरफ बढ़ते हैं हम लोग। गिवन द सैम्पल साइज 400, सैम्पल मीन 99 था, पॉपुलेशन मीन 100 था, कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ जेड स्टैटिस्टिक्स इज माइनस का 2.5, तो वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होने वाला था। देखिए ये मैंने आप लोगों को फॉर्मूला जो है क्या है, मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर किया था, आप लोगों को यहाँ पे ये बताया था। लेट मी शो यू ओवर दिस, क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग जी जेड टेबल के अंदर। देखो ये फॉर्मूला होता है हमारा जेड का, एक्स बार माइनस म्यू ओके डिवाइडेड बाय सिग्मा अपॉन में रूट एन। लगा दे फॉर्मूला, चलो लगाते हैं, एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा अपॉन में रूट एन। एक्स बार क्या है, सैंपल का मीन, सैंपल का मीन कितना है 99, म्यू पॉपुलेशन 100 का, सिग्मा आपको निकालना है, रूट एन कितना था 400, तो इसको आप ले लेंगे इस तरीके से। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये तो माइनस 2.5 आ रहा है, ये माइनस 1 हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा, 20 ऑब्वियसली जाता है ऊपर जाके हो जाना है आपका रेसिप्रोकल, माइनस से माइनस विल कैंसिल आउट इच अदर, तो ये आपका बचेगा 2.5 20 अपॉन में सिग्मा। अब सिग्मा आपको निकालना था, तो यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, 2.5 से जो है आप इसको यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं और इसको आप सॉल्व करते, करेक्ट आंसर है 2.8। ये आपको याद है ना, आपका ये जेड टेस्ट वाला क्वेश्चन है, तो मैंने आपको सारे टेस्ट प्रैक्टिस कराए थे, जेड टेस्ट कैसे करते हो, टी टेस्ट कैसे करते हो, चाय स्क्वायर टेस्ट कैसे करते हो, तो जेड टेस्ट का जो है ये आपका क्वेश्चन था ओके। चलिए ओके गाइस, टुडे वी हैव डन विद 35 क्वेश्चंस तक मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए ओके। और बहुत ही जल्द मैं अपने चैनल पे वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी, आप अगर कोई ऐसा क्वेश्चन निकलता है चैलेंजिंग वाला, मैंने अभी तक 50 क्वेश्चन का एनालिसिस किया तो उसमें ऐसा कोई नहीं निकला, तो अगर आगे कोई एक आधा क्वेश्चन भी निकलता है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, डिस्कस करूंगी, और बाकी के क्वेश्चन हम कल जो है लाइव ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपने बहुत इंजॉय किया होगा, आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो के अंदर। एंड गाइस, इफ यू आर प्लानिंग टू टेक NTA UGC नेट सीरियसली एंड यू रियली वॉन्ट टू क्रैक इट, ठीक है, अगर आप सच में इसे आप क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि आप हमारे बच्चों का रिजल्ट देख सकते हैं, अभी तो रिजल्ट आया भी नहीं है, फिर भी आप देख सकते हो किसी के 101 क्वेश्चन सही हैं, किसी के 200 नंबर बन रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट जो है क्या है बच्चे दे रहे हैं अनअकैडमी के ऊपर ओके, बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद मी, आई एम द यंगेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी ओके। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं आप अपना जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के सपने को पूरा करना, तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन को, और अब तो वैसे ही EMI ऑप्शन भी आ गया, तो ऐसी कोई टेंशन भी नहीं है कि आपको एक साथ ही सारी फीस आपको पे करनी है, महीने का महीने आप आराम से जो है पे कर सकते हैं। यूज़ माई रेफरल कोड तान्या भाटिया 1213, जिससे आपको 10% डिस्काउंट भी मिले और पेपर वन आपको मुफ्त यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको यहाँ पे ये मिले, ठीक है। देखिए जो भी आपने पूछना है पंछी जी, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे पूछ लीजिएगा, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ लाइव नहीं शेयर कर सकती, 9818369115 के ऊपर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप जो है कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपके साथ चीज़ें जो है शेयर कर दूंगी, डिटेल्स जो है मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे जो है क्या है शेयर से रिलेटेड कर दूंगी। एक बार आप फिर से देख लीजिए, बड़ी खुशी होती है, देखिए ऐसे जब बच्चों के रिजल्ट आते हैं, 115 क्वेश्चन सही हैं, 230 नंबर बन रहे हैं, 76.66, इतना अच्छा जब यार रिजल्ट जा रहा है, यू कैन सी JRF इसका आ जाएगा आराम से, आई गॉट 200 ओके। फिर यहाँ पे बता रहे मैंने नेट तो किया ही है, और भी बहुत सारे JNU CUCET ISES का भी एग्ज़ाम मैंने कर लिया है, फिर ये एक और मैसेज, मैम 101 क्वेश्चन सही है, मेरे कोई चांस है। हाँ बिल्कुल यार, जब इतना अच्छा स्कोर कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका चांस है, एंड डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन, उसी दिन रुकना है जब तक आपका हो नहीं जाता, ठीक है। चलिए ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।